जनपद मैनपुरी के ग्राम कोसमा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो किसान हैं, किसान बहुत परेशान हैं और किस लिए परेशान हैं ये हम आपसे सामने दिखा के बात करते हैं। किसान हमारे साथ, बहुत किसान खड़े हुए हैं कोसमा में, जो गांव के लोग हैं ये सारे किसान हैं और इनकी जो मक्का की खेती है, ये जो मक्का हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो ये मक्का है यहाँ पर इन्होंने निकाल के रखी है, ये दिखा सकते हैं कि यहाँ जो मक्का की खेती है इनमें, इन मक्का के जो भुंटे हैं इनमें दाना नहीं पड़ा और ये दाना नहीं पड़ा है जिसकी वजह से किसान आज बहुत परेशान है और लाखों रुपए का नुकसान झेलकर वो परेशानी अपनी जाहिर कर रहा है। और ये सारा मामला क्या है, पूरी बात क्या है, ये आज जिला अधिकारी कार्यालय पर भी पहुंचे थे अपनी मक्का को लेकर और पूरी बात उन्होंने अपनी अधिकारी से रखी। आखिर बात क्या है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। शुभ नाम क्या आपका? कमल किशोर जी, क्या मामला है पूरा? मामला ये सर, मक्का खोसा रह गई है, मक्का में दाना नहीं आया। नहीं आया, ये किससे लिया आपने? भानु प्रताप। हाँ। भानु प्रताप से जब आपने मक्का लिया था तो आपने ये बताया था कि ये मक्का हमारी ठीक होनी चाहिए या नहीं? बोलने कही थी भानु प्रताप ने के संसार लेने हम गए थे जी, है जब त्रिमूर्ति भेड़ी ले जाओ 8 क्विंटल को बीघा हो या न हो, बीघा 8 क्विंटल को हमारी फसल। जब आपकी भुंटा में दाना नहीं आया तो आप भानु प्रताप के पास गए? हाँ गए थे। तो क्या कहा आपसे? मैंने में एक दिन टहरा दो, दूसरे दिन मैंने अपने जुगाड़ लगाए कि हमें साकर दे रही, तो मर जाओ हमारी दुकान पर ही मर जाओ, साकर दे दी। हाँ क्यों? फांसी लगा दी, रस्सी टूट जाएगी। अरे यहाँ पर देखिए, जो किसान है, किसान वैसे भी परेशान है और जो दुकानदार है वो दुकानदार कह रहा है कि फांसी लगा लो और उकसा रहा है किसानों को, और भी लोग खड़े हो। शुभ नाम क्या आपका? माजिद अली, क्या मामला है, किस तरीके से आपकी जो खेती नुकसान हुआ है, क्या कितनी नुकसान हुआ है? साहब करीब 10 लाख रुपए नुकसान है, 60 बीघा मक्का है। 60 बीघा जी मक्का, 60 बीघा मक्का है, 60 बीघा खेत में मक्का है, मक्का हमारे है जी, है ना, और कम से कम 10 लाख रुपए की हमारी मक्का होती साहब, हम तो बहुत परेशान है। भानु प्रताप की दुकान पे गए तो 15 दिन पहले उन्होंने देखी, आप चुपचाप रहो, इस खेत को जितवा दो, यहाँ देख गए। आज भी जब सुबह हम गए, बुलाया हमें गए, तो बोले 50,000 रुपए ले लो, इस मक्का को जितवा दो, है ना। अच्छा, आप जिला अधिकारी महोदय के पास भी आज गए? आज गए थे हम। तो जब क्या शिकायत की? शिकायत हमने की साहब हमारी 60 बीघा मक्का है और हमारी मक्का में कोई दाना नहीं, दुकानदार ये कह रहे हैं आप मक्का को जितवा दो और आप किसी अधिकारी के पास जाओ, अधिकारी हर अधिकारी को हम समेट लेंगे, खरीद लेंगे। ये किसने कहा? भानु प्रताप ने। तो ऐसा क्या है, क्यों है? तो हमने कहा तुम अधिकारियों को खरीद लोगे तो हम फिर हम बताओ क्या करें, हमें तो शिकायत जब तुम भाई नहीं सुन रहे तो हम तो शिकायत किसी से करें, हम तो सब मर गए, हमारी 60 बीघा मक्का है और लोगों ने कही भाई यहीं समेट लो, कहानी समेट जाए, आगे जाओगे तो आप परेशान हो जाओ। और लोग बोले कि जे आगे दादा जा रहे हैं तो आपका लाइसेंस खत्म हो जाएगा और दुकान भी बंद हो जाएगी हमारी दुकान। अभी कोई कार्रवाई हुई क्या? अभी कार्रवाई ये हमारी भी अधिकारी के पास हम गए थे। भानु जो बीज देता है, डीलर है, उसके खिलाफ कोई अभी कार्रवाई हुई क्या? अभी कार्रवाई हम अधिकारियों को हम कागज दे, कोई कार्रवाई नहीं हुई ना? आप क्या चाहते हैं? अब कार्रवाई चाहते हैं, हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए साहब, हम गरीब आदमी है, हमारी कार्रवाई आगे होना चाहिए। लगभग कितना नुकसान हुआ? करीब 10 लाख रुपए का साहब। 10 लाख रुपए, यहाँ 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, किसान बहुत परेशान है और भी लोग हैं यहाँ पे, आप भी किसान हैं? हाँ जी। कितना खेत है आपका? हमारे 4 बीघा खेत है। 4 बीघा खेत है, तो क्या हुआ? आधे दाने पर भी नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? हर्जा चाहिए मुझे। हर्जा चाहिए, प्रार्थना पत्र दिया था आपने? हाँ, बाबा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई ना? तो भानु से आप गए थे क्या? हाँ। क्या कह रहे हैं? मुझे कहा लेफा तो ले लेना, हम नहीं लेंगे, जा दबंगे ही दिखा रहे। हाँ। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुधवार पहले टहराता उठा और जब हमने हजार में खेतों को जो बोले हजार नहीं रहेंगे, जाकर भाजू कर लेना जा। अच्छा, कुछ ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि वो मतलब फर्जी तरीके से ये दाना ले आया बाहर से और कम पैसे का माल ज्यादा पैसे में दे दिया, ऐसा कुछ? हाँ, जगह देखे जब पैदावार ज्यादा ले जा मका, जबरदस्ती दे दिया। हाँ, जब क्या हमें संसा मांग रहा है, संसा ना दे रहा वो तो। ये कौन सी कंपनी का था? त्रिमूर्ति। हाँ। ये कितने किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा? यह 10-12 लोग हैं। 100 आदमी है। 100 आदमी। बात कर लेते, क्या नाम आपका? अरजाग। यहीं के रहने वाले? कोसमा के। तो कितने किसान परेशान होंगे? कम से कम 100 आदमी। 100 आदमी। कितनी खेती होगी? कम से कम तो 500 बीघा।
500 बीघा, तो 500 बीघा में कितना हर्जाना होता होगा लगभग? आप इसी हिसाब से जोड़ लें, 10,000 एक बीघा में कितना? 10,000 का कम से कम, 10,000 काफी नुकसान हुआ है किसान का। ये कोसमा में ही हुआ कि अदर किसी और? कोसमा के और पास गांव में हुआ है। ये यही इसी दुकानदार ने दिया? हाँ इसी का है सब कुछ। तो परसों काफी लोग आते जी, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा था खाली सिर्फ 1,000 रुपया जुर्माना दे सकते हैं, बाकी का कुछ नहीं दे सकते। 1,000 रुपया, और ये भी कह दिया कि फांसी लगा लो? हाँ उन्होंने कही पप्पू से फांसी लगा लो। तो अब आप क्या चाहते हो? चांद गाजू कुछ मिल जाए, मिल जाए। यह तमाम किसानों से मैंने बात किया है और तमाम किसानों ने अपनी बात को कहा है। आप इधर आ जाइए, आप आइए यहाँ। यहाँ और भी हैं, एक व्यक्ति सज्जन है जिन जो किसान ही है, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ कि किसान होने की वजह से और उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो भी देख लेते। क्या नाम है आपका? ओम शरण सर। ओम शरण, ओम शरण जी ये बताइए कि आप किसान है? जी किसान है। कितना खेत है आपके पास? 25 बीघा सर। तो 25 बीघे में आपने मक्का की थी? मक्का की सर, खड़ी है सर। तो क्या स्थिति रही? स्थिति है छूचा रह गया, उसमें कुछ है ही नहीं, दाना नहीं आया। दाना नहीं है। क्या किसने बीज बेचा था ये? हम तो सर अंत से लाए थे, हम जे लोग वहाँ से लाए, हम तो अंत से लाए। तो उसका भी ये इसी तरीके से रहा। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं क्या, हर्जा मिल जाए हमको, और क्या मुआवजा मिल जाए सर। सारे किसान यहाँ पे मुआवजा चाहते हैं। मैं एक बार किसानों से कहूँगा कि यहाँ खेत में जाके मुझे वो भुंटे छील के दिखा दे जो कैमरे में कैद हो जाए। ये सभी लोग किसान जो हैं, अब देखिए हमारे साथ किसान भाई जो हैं साथ हैं, और ये लाइव देख सकते हैं आप किसान जो हैं, ये किसान आपके साथ जो है, ये देखिए खेत में जो भुंटे लगे हुए हैं इनको छील रहे हैं। कैमरामैन इधर आ जाए, और ये लाइव देखिए, ये छील रहे हैं, ये जैसे छील रहे हैं, तो उसमें भुंटा नहीं है। आप देखिए दाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टूटता है। आप देखिए इधर भी लोग हैं, इधर भी देख लीजिए, ये मौके पे छील रहे हैं। ये पूरे किसान जो है भाई परेशान है, और लाखों रुपए की खेती का नुकसान हुआ है। ये देखिए तुरंत जो खेत में लगे हुए पौधे हैं उस पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सामने देखिएगा सारे किसानों की ये जो खेती है जिसमें दाना नहीं पड़ा, पूरा भुंटा निकल आया है और दाना नहीं पड़ा। ये किसान भाई जो हैं बहुत परेशान हैं, और यहाँ पर ये भी आप देखिएगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, दाना नहीं है। इन्होंने अपनी प्रशासन से मांग की है, और जिला अधिकारी को आपने एक शिकायती पत्र भी दिया है, और ये भी कहा है कि हमें मुआवजा दिलाया जाए। किसान बहुत परेशान है, हजारों बीघा खेत जो है वो नुकसान किया गया। और भानु जो कि एक दुकान है बीज भंडार, प्रताप बीज भंडार के नाम से, जो कि पिछले दो वर्षों से दुकान किए हुए है, और बताया जाता है ये डॉक्टर भी है, पशुओं का डॉक्टर भी रह चुका है, और शायद एक झोला छाप डॉक्टर भी करता है, जिससे आसपास के गांव में पशुओं का भी जो है शोषण हो चुका है, क्योंकि मर चुके हैं इसकी दवा से, ऐसा भी गाँव के लोगों ने कहा है, बताया है। तो अब देखना ये है प्रशासन इस किसानों की मदद करने के लिए कितना सहयोग करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।